वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट का ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 आवर स्कूल। ओके, आवर स्कूल मींस हमारा स्कूल। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ में हिंदी में भी बिल्कुल डिटेल में बच्चों को समझाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आपका बच्चा भी देख सकता है, और अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही सिंपल भी है। दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। ओके, आई लव माई स्कूल, मैं अपनी स्कूल से प्यार करता हूँ। लव मीन्स प्यार करना। आई गो टू माई स्कूल टू स्टडी, मैं अपने स्कूल जाता हूँ किस लिए, स्टडी करने मीन्स पढ़ाई करने। मैं अपने स्कूल जाता हूँ पढ़ाई करने। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द स्कूल, तो हमारे स्कूल में क्या है, बहुत सारे चिल्ड्रन आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। वी हैव मैनी फ्रेंड्स इन द स्कूल, हमारे क्या होते हैं स्कूल में, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट, और हम स्कूल में क्या सीखते हैं, लर्न मतलब रीड मतलब पढ़ना, एंड राइट मीन्स लिखना, और लर्न मीन्स सीखना। ठीक है, तो हम स्कूल में क्या सीखते हैं, पढ़ना और लिखना हम स्कूल में सीखते हैं। वी लर्न टू ड्रॉ एंड डू सम्स, और हम स्कूल में क्या सीखते हैं, ड्राइंग करना यानी कि कुछ भी पिक्चर बनाना, और डू सम्स और कुछ भी सवाल जो हमारी मैम देती है हमको वो हम सीखते हैं। वी लर्न अबाउट आवर वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड होता है, जो हमारा देश होता है, पूरा जो संसार है, हम अपने स्कूल में ही उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स, हम स्कूल में गुड मैनर्स सीखते हैं यानी कि अच्छी आदतें क्या होती हैं वो हम स्कूल में सीखते हैं। द स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, जो हमारा स्कूल है उसकी क्या है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इट हैज़ मैनी क्लासरूम, इसमें क्या है, बहुत सारे क्लासरूम है। आपने देखा होगा ना, क्लास फर्स्ट होती है, क्लास सेकेंड होती है, क्लास थर्ड होती है, तो कितनी सारी क्लासेस होती हैं, उन सब के लिए अलग अलग रूम्स भी होते हैं। देखिए जैसे कि दिस इज़ द प्रिंसिपल्स रूम, ये क्या है, ये प्रिंसिपल का कमरा है। आवर पेरेंट्स मीट हिम और हर, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पर उनसे मिलते हैं। हिम किसके लिए लगाते हैं, अगर हमारे सर होंगे तो हम हिम बोलेंगे, और अगर हमारी मैम होंगी तो हम हर बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे दिस इज़ आवर लाइब्रेरी, ये हमारी पुस्तकालय है, यानी कि जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं बच्चों के लिए। एक कॉमिक वाली किताबें होती हैं, जनरल नॉलेज की वाली बुक्स होती हैं, आपकी क्लास से रिलेटेड होती हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। वी बोरो बुक्स फ्रॉम हेयर, हम अपनी बुक्स कहाँ से लेते हैं, लाइब्रेरी से। ओके, और देखिए दिस इज़ आवर म्यूजिक रूम, ये हमारा क्या है, म्यूजिक रूम। वी लर्न सिंगिंग एंड डांसिंग हेयर, हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, सिंगिंग मतलब गाना गाना, एंड डांसिंग और डांस करना हम यहाँ पर सीखते हैं। दिस इज़ द प्लेग्राउंड, ये क्या है, ये हमारा प्लेग्राउंड है। वी प्ले हेयर, हम यहाँ खेलते हैं। द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, जो प्रिंसिपल होता है वो कौन होता है, हेड ऑफ द स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल का सबसे बड़ा स्थान जो होता है हमारे प्रिंसिपल का होता है। वी ऑल लव एंड रेस्पेक्ट आवर प्रिंसिपल एंड द टीचर्स, हम क्या करते हैं, हमारे प्रिंसिपल का और हमारे टीचर्स का, उनसे हम प्यार करते हैं। लव मीन्स होता है प्यार, एंड रेस्पेक्ट करते हैं यानी कि हम उनको बहुत सम्मान देते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कराना चाहते हो तो ये इजीली आप करवा सकते हो, एक्सरसाइज बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है। आप जो है कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके साथ में ये भी शेयर कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ योर स्कूल, आप बच्चे को लिख करके दे सकते हैं, राइट द स्कूल नेम ऑफ योर स्कूल, आपके बच्चे का जो भी स्कूल का नाम है वो इजीली यहाँ पर उसको लिख देगा। व्हेन डू यू रीच योर स्कूल, आप अपने स्कूल में कितने बजे जाते हो, अब बच्चे को बहुत लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है क्योंकि उसको नहीं आएगा, तो एट वो 7:30 जाता है, 8:00 जाता है, जो भी जाता है यहाँ पर इजीली लिख देगा। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, सो बच्चा लिखेगा आई गो टू स्कूल फ्रॉम आवर वैन, बस, जिससे भी वो जाता है वो यहाँ पर लिख देगा। राइट द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, तो जो बच्चों का प्रिंसिपल है उसका वो नाम लिख सकता है, आप यहाँ पर प्रिंसिपल हटा करके टीचर भी लिख सकते हैं, तो बच्चा क्लास टीचर का नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकता है। ओके, सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो बच्चा इजीली यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं,
बच्चों को यहाँ नीचे फिल करने हैं। मैं रीड कर देती हूँ। वी प्ले इन द, हम कहाँ पर खेलते हैं? मैनर्स, पेरेंट्स, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में खेलते हैं? नो, प्ले ग्राउंड, यहाँ पर आएगा प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। वी लर्न गुड, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? मैनर्स, गुड मैनर्स इन स्कूल, हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं? गुड मैनर्स हम स्कूल में सीखते हैं। वी बोरो बुक्स फ्रॉम द, हम बुक्स कहाँ से लेते हैं? लाइब्रेरी से। आप बच्चों को जो है पढ़ा सकते हो और आसानी से जो है इसको समझा सकते हो। वी सिंग एंड डांस इन द, हम कहाँ सीखते हैं डांस और सिंगिंग? हम कहाँ पर सीखते हैं? अपने म्यूजिक रूम में। ओके, ये चैप्टर में था। आवर पेरेंट्स मीट द प्रिंसिपल इन हीज और हर रूम, हमारे पेरेंट्स कहाँ मिलते हैं प्रिंसिपल से? उनके रूम में। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ एक और एक्टिविटी है कि बच्चों को आप मैचिंग दे सकते हैं करने के लिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके जो है आप लिख सकते हैं नोटबुक में, या फिर आप इजीली जो है वीडियो को दिखा करके ये बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे कि आई टीच यू इन क्लास, आई टीच यू इन क्लास, मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ तो या पढ़ाता हूँ, तो वो कौन होगा? लाइब्रेरियन? नो। पियोन? नो। गार्डनर? नो। टीचर? यस, क्योंकि टीचर हमको क्लास में पढ़ाती है, तो बच्चा इजीली इसको यहाँ पर मैच कर देगा। आई क्लीन योर क्लास, मैं आपकी क्लास को साफ करता हूँ, कौन साफ करता है? लाइब्रेरियन? नो। पियोन? नो। गार्डनर? नो। टीचर? टीचर तो हो गया। स्वीपर? यस, स्वीपर हमारी क्लास को साफ करता है। आई लुक आफ्टर द लाइब्रेरी बुक्स, मैं लाइब्रेरी बुक्स को देखता हूँ या उनका ध्यान रखता हूँ, उनको किस तरीके से मैनेज करना है वो देखता हूँ, वो कौन करता है? लाइब्रेरियन। ओके, आई रिंग द बेल, मैं जो होता हूँ मैं बेल बजाता हूँ, वो कौन करता है? बेल कौन बजाता है स्कूल में? पियोन, हमारा पियोन जो होता है वो बेल बजाता है। आई वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, मैं प्लांट्स को जो है वाटर करता हूँ, वाटर डालता हूँ उनके अंदर, तो वो कौन करता है? गार्डनर। ओके, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।